हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियोस। सो गाइस, कल वाला जो वीडियो था भाई, सबसे पहले तो उसके लिए बहुत ही शुक्रिया गाइस, तुम सब ने इतना ज़्यादा रिस्पांस दिलाया ना उस वीडियो पे भाई, फिर से तुमको थैंक यू सो मच। 200 400 500 मच गाइस, ऐसे ही अपना जलवा दिखाते रहो और प्यार भी दिखाते रहो गाइस। अभी हम कोई टारगेट नहीं रख रहे, बस जितना पॉसिबल हो सके ना गाइस, तुम्हारे जितने भी सोशल ग्रुप्स हैं उनमें भाई शेयर करते रहो, और भाई पता ही नहीं पड़ेगा कब हमारे 10 के हो गए गाइस। ए रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। नहीं, सोके सोके सोके। और गाइस यार, तुम बहुत ही ज्यादा ओपी हो यार, मतलब ओवर पावर्ड प्रो मैक्स हो यार तुम। ओह माय गॉड। बस गाइस, ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखना, और फिलहाल अपने इस गेम प्ले की बात करते हैं, और जिसमें मेरा हमेशा का ही है भाई, बहुत दूर उतरने का है, क्योंकि अपन प्रो प्लेयर नहीं है, अपन होशियार प्लेयर है, समझ रहे हो, जो कि किसी कोने में जाके पहले लूट करेगा और फिर फाइट लेगा। क्योंकि मैच भाई बल प्रयोग से नहीं, मतलब रश करके नहीं भाई, दिमाग करके स्ट्रेटजी बना के जीते जाते हैं। और गाइस, हम बस मैच जीतना चाहते हैं जिससे कि हमारा ज़्यादा से ज़्यादा प्लस हो और हम लीडर बोर्ड में बने रहें। कि मेरा एरिया है। तो गाइस, मैं बग्गी उठा के आ जाता हूँ, ये जो प्रिजन के बाजू वाली हवेली है या फिर कंपाउंड बोल दो इसको, यहाँ पर लूट कर लेता हूँ मैं अच्छी खासी। और यहाँ पर मुझे उम्मीद थी कि यहाँ पर एक प्राइमरी वेपन जो क्लोज रेंज में काम आता है वो तो मिल ही जाना चाहिए, ताकि हमारी अर्ली फाइट हो तो हम निपटा सके बंदों को। तो गाइस, यहाँ पर ये नोटिस करो कि मैं सीधा गाड़ी यहाँ पर आके रोक के लूटने नहीं लग जाता हूँ, बल्कि एक बार गाड़ी घुमा लेता हूँ कि कोई बंदा ऑलरेडी आया हुआ तो नहीं है, क्योंकि कभी कभी बंदे यार आ जाते हैं, और तुम्हारे साथ भी ऐसा हुआ होगा कभी कभी कि कोई बंदा ऑलरेडी आ चुका है जो तुमको एकदम बुरे तरीके से मार देता भाई नियत्ते। अब सोलो का ये सीन रहता है ना कि इसमें आपको कोई टीममेट नहीं है आपको अच्छा बुरा बताने वाला, मतलब आपको होल्ड करना कहाँ करना है, मतलब कैसे रोटेशन देना है, इसकी कॉल कोई नहीं देगा आपको, और कॉल ये भी नहीं बताएगा कि ये सही है या गलत है, जो भी करना है ना आपको अपने अपने दिमाग से करना है यार। तो गाइस, लूट पूरी करने के बाद उसके सराउंडिंग जो कंपाउंड थे उनमें मैं दो राउंड निकाल लेता हूँ, मतलब दो जोन निकाल लेता हूँ, और उसके बाद जो फाइनल मतलब थर्ड जोन है इसमें आ गया हूँ। अब आप करंटली जिस जोन में हो भाई, उससे अगला जब भी जोन बनेगा उसके लिए आपके पास प्रीपेड एक स्ट्रेटजी होनी चाहिए, वरना आप इसकी तरह मारे जाओगे, क्योंकि इसने कोई प्रॉपर स्ट्रेटजी नहीं बनाई थी भाई, कहाँ से रोटेशन मारूंगा। और ये जो थर्ड जोन है यहाँ पर बना हुआ है पोचिंग की साइड में, ये बाईपास वाले कंपाउंड है छोटे छोटे यहाँ पर। अब यहाँ पे जिस सेक में मैं हूँ और मेरे सामने एक और छोटा सेक है, वहाँ पर बंदे नहीं होंगे, ऐसा भाई हो ही नहीं सकता, तो यहाँ से रोटेशन देने का कोई सवाल ही नहीं उठता था गाइज, जिसकी सजा इसको मिल जाती है और ये बंदा किल हो जाता है। अब एक और बात की गाइज, मेरे पास देखो M16 है, और उस बंदे को मैंने अभी अभी ताज़ा मारा हुआ है, और मेरे अंदर चुल नहीं है कि उसके पास से मैं M4 या कोई दूसरी गन उठा के ले आऊँ, क्योंकि भाई तीसरा जोन है और बंदे भाई कहाँ कहाँ छुपे कुछ भी नहीं पता है अपन को, तो बेहतर है भाई हम अपनी जगह होल्ड करें। अब यहाँ पर वो उस बंदे जैसे गलती ये भी कर रहा था, सीधा आ रहा था भाई मेरे सेक की डायरेक्शन में, और देखो गाइस मैं इस पर फायर देता हूँ, और उस बंदे ने फायर सुनते ही भाई तुरंत अपना डायरेक्शन चेंज करा और अपना रोटेशन थोड़ा चेंज करके वो पहाड़ की तरफ निकल लेता है। अब इस एरिया में फाइनल जोन है, और सामने वाले सेक पे जैसा मैंने बोला था वहाँ पे कोई बंदा होल्ड नहीं करे, ऐसा हो ही नहीं सकता, और ये बंदा आ जाता है भाई वहाँ पर होल्ड करने, लेकिन साथ ही मारा भी जाता है। लेकिन इसकी बदकिस्मती ये रही कि मैं उस पर पहले ही ADS देके खड़ा था, मतलब बैठा हुआ था, और उस बंदे को मैं किल कर देता हूँ, गिरते पड़ते वो अंदर पहुँचने ही वाला था, खत्म गया। अब मेरे लिए यहाँ पर प्लस पॉइंट ये है कि मैंने जो सेक होल्ड कराई है यहाँ पर से बंदे बहुत ज़्यादा रोटेशन देते हैं, और आप भी ऐसा कोशिश करो कि जब फाइनल मतलब जो भी छोटे से छोटे जोन रहे ना, वहाँ पर ऐसी जगह होल्ड करो जहाँ से ज़्यादा बंदे रोटेशन देते हो, वहाँ से आपको किल मिलने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं गाइस। अब इस बंदे को मैंने कैसे मारा मुझे बिल्कुल नहीं पता, क्योंकि इस पे हिट मारकर तो आ ही नहीं रहा था, बस मैंने जब फायर छोड़ा तो ये बंदा किल हुआ बता रहा है मुझे। अब मेरे सामने से एक और गाड़ी आता भाई UAZ, लेकिन भाई एक भी बुलेट कनेक्ट नहीं हुआ, और वो बंदा भाई अच्छे से बच के निकल जाता है, लेकिन उसकी गाड़ी अच्छी खासी डैमेज हो गई थी।
मेरे पास अच्छी खासी लूट थी नहीं, मतलब एमओ कम पड़ गया था भाई, जो प्राइमरी वेपन था मतलब ऑटो वेपन भाई, दूसरा मेरे पास M16 जो कि ब्रस्ट है, नहीं चला सकता मैं इसको अच्छे से। तो गाइस मुझे याद आता है कि मैंने सामने वाले सेक पे एक बंदा मार रखा है जिसको मैं लूटने आया था अपना बग्गी लेके, जिसमें मुझे भाई MK मिल जाता है गाइस, और DP ले लेता हूँ मैं, और साथ ही मैं भाई एड्रेनलिन लगा के फुल बूस्ट हो जाता हूँ, क्योंकि अब जोन क्लोजिंग होना स्टार्ट हो जाएगा और अगले जोन में जाने पे जो बंदे महामारी मतलब मारामारी करेंगे उसके चलते अपन को बहुत ज़्यादा डैमेज पड़ने वाला है। तो देखते हैं गाइस आगे क्या होता है, क्योंकि गाइस सोलो में रोटेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर यह बंदा मुझे स्पॉट तो हो रहा था लेकिन इतना क्लियर व्यू नहीं मिल पाने के कारण ज़्यादा बुलेट कनेक्ट नहीं कर पाए हम, और अपना बग्गी लेकर निकल देते हैं क्योंकि भाई जोन क्लोजिंग होना स्टार्ट हो गए। अब देखना गाइस जब मेरा रोटेशन क्या रहता है भाई, मैं अगले जोन में कैसे पहुँचता हूँ, पहुँच पाता हूँ या नहीं पहुँच पाता हूँ, ये भी तुम खुद देख लो यार। तो गाइज यहाँ पर हमने अपना बग्गी रोक लिया है फाइनली, और सामने से पेड़ का कवर है और इस तरफ से हमने अपना बग्गी लगा रखा है, तो थोड़ा हद तक मतलब कवर है, और भाई लोग यहाँ पर जोन भी है, तो गाइज़ थोड़ा बहुत एडवांटेज में है हम फिलहाल। और सामने भाई स्मोक भी हो रहा है, तो उसमें हम ऐसे ही सस्ते नेड करके देखते हैं कि कोई बंदा अगर वहाँ पर होगा तो वो फूट जाएगा गाइज़। लेकिन वहाँ पर कोई बंदा था या नहीं मुझे नहीं पता, क्योंकि क्या पता वो कवर में भी हो, और हम अपने को सेफ रखना चाहते थे फिलहाल, तो इसलिए कोई फालतू बकचोदी नहीं करेंगे हम। तो गाइस अभी तक तो बिल्कुल शांत माहौल है भाई, कोई एक दूसरे को फायर नहीं कर रहा, लेकिन ये भाई बग्गी लेके निकल चुके, पता नहीं कौन सी चूल है इनमें। और ये भाई बग्गी घुमाते घुमाते मेरी तरफ आ रहे, तो गाइस यहां पर मैं क्या ही फंसा हूं, मतलब वो बंदा मेरे पे बग्गी लेके आ रहा था, ऐसा सोच के मैं गाड़ी में गेट इन कर लेता हूं और वो बंदा आके सीधा ही गाड़ी ठोक लेता है, लेकिन मेरा जो एग्जिट होता है ना वो उसकी बग्गी पे होता है, और मेरे को कोई जॉयस्टिक का मूवमेंट ही नहीं होता है भाई, मतलब उसके अंदर मैं फंस गया था, मेरा पैर मेरा मुंडा निकल गई, मेरी जबान टूट गई यार भाई, ढंग से कुछ भी मूवमेंट नहीं हुआ। अगर मैं जमीन पे होता तो वो बंदा बिल्कुल लेट गया होता, मतलब लेटा देता मैं उस बंदे को, लेकिन उसके पास मूवमेंट का एडवांटेज रह गया और हम मारे जाते हैं गाइज। और हर बार जरूरी नहीं है कि आप ही बहुत ही प्रो प्लेयर कहलाओ, कभी कभी दूसरे बंदे भी एडवांटेज ले जाते हैं। और गाइज मैं आज ज़्यादा मैच खेला नहीं, क्योंकि भाई मेरा जो तुमने देखा ही होगा बैटरी लेवल कितना कम दिखा रहा था भाई, 5% पे मैं मैच रिकॉर्ड कर रहा था, और गांव वाले एरिया में भाई एक बार लाइट चली गई तो 2-4 जन्म के बाद ही लाइट वाला आता ही सही करने। और इसलिए गाइज कल वाले जो वीडियो पे कमेंट किए थे सभी लोगों ने, उन पे मैं किसी पे भी रिप्लाई नहीं कर पाया गाइज, तो तुम लोग मुझे अच्छा खासा मतलब मोटिवेट करते हो भाई, 5 सेकंड लेके एक कमेंट करते हो, तो मेरा भी फ़र्ज बनता है कि मैं तो 3-4 सेकंड लेके तुम्हारा को शुक्रिया करूँ। तो गाइज़ मैं आज कोशिश करूँगा कि सभी के कमेंट का रिप्लाई करूँ। तो गाइज़ अगर तुम लोग को ये वाला वीडियो का स्ट्रेटजी पसंद आया हो ना, कि कैसे लास्ट जोन तक एंट्री मारी और कैसे अच्छा खासा होल्ड कर रहा था मैं, भाई लाइक कर दो, और अगर तुम लोग मेरे चैनल पे नए हो ना तो भाई सब्सक्राइब करो, और अगर तुम लोग सब्सक्राइब करोगे ना तो तुमको मिलेगा एकदम प्रीमियम एक्सक्लूसिव एक्सेस मेरे वीडियोज़ पे, यानी कि तुम एक भी वीडियो मिस नहीं कर पाओगे। मेरा जो मैसेंजर है मतलब यमदूत गेम दूत, वो तुमको मैसेज करके बता देगा कि भैया जी वीडियो आ गया है, आके देख लो। और मैं भी चलता हूँ यार, मेरे को नया वीडियो बनाना है यार, कल लाइट नहीं थी लेकिन आज मैं पक्का बनाऊंगा एकदम धांसू वाला वीडियो, धांसू कैसा एकदम मास्त जैसा। ठीक है गाइस, तो चलता हूँ यार, बाय।
I bet I could smoke you, I could roast you, and then you'd love it, you'd text me I love you, and then I'd fucking ghost you.